दोस्तों, यदि आप भी YouTube थंबनेल बनाने के लिए पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने थंबनेल को HD क्वालिटी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको अपने थंबनेल का साइज नहीं पता कि किस साइज में जो है यूट्यूब थंबनेल बनाया जाता है तो वो भी आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि इसी तरह का नॉलेजबल वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि आपको थंबनेल का साइज नहीं पता तो आपको क्या करना है, पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉटेड लाइन देखने को मिलेगी। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इमेज साइज का, तो आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम का, तो आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल। तो YouTube थंबनेल बनाने के लिए आपको यहाँ से जो है साइज सेलेक्ट करना है थंबनेल पर क्लिक करके। यदि आप YouTube चैनल का बैनर बनाना चाहते हैं तो आपको बैनर का साइज यहाँ से मिल जाएगा YouTube चैनल बैनर पर क्लिक करके। तो इस तरह से आप अपना YouTube थंबनेल के लिए और YouTube चैनल बैनर के लिए साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अपना थंबनेल सेव करना नहीं आता है, यदि आपको पिक्सेल लैब से बना हुआ थंबनेल सेव करना नहीं आता है तो आपको मैं आज के इस वीडियो में थंबनेल को सेव करना HD क्वालिटी में सेव करना जो है बताने वाला हूं कि आप अपने पिक्सेल लैब से बने हुए थंबनेल को HD क्वालिटी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर थंबनेल अपना जो है बना लेना है। इसके बाद आपको सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कर देना है। इस आइकन पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन निकल करके आ जाते हैं, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। तो हम यहाँ पर अपने थंबनेल की इमेज को सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह से आ जाता है। आपको क्या करना है, इस एरो पर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको PNG सिलेक्ट कर लेना है। PNG सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम का। यदि आप कस्टम में अपने थंबनेल को सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ढेर सारी क्वालिटी जो है आपके सामने निकल करके आ जाएंगी, जैसे कि कस्टम है, लो है, मीडियम है, हाई है, वेरी हाई है, अल्ट्रा है। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा जो क्वालिटी है इसमें भी आपका जो है थंबनेल अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड हो जाता है और वेरी हाई क्वालिटी में भी आपका थंबनेल यहाँ से अच्छी क्वालिटी के साथ में जो है सेव हो जाता है। यदि आप और अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कस्टम रहने देना है और यहाँ पर आपको विड्थ का जो है रेशो इसे हटा करके 7480 कर देना है और यहाँ पर हाइट का रेशो आपको 720 से हटा करके 4320 कर देना है। इस क्वालिटी में यदि आप अपने थंबनेल को सेव करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है अपने थंबनेल के लिए। और यदि आप अपने थंबनेल को डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं, शेयर वाले बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम द्वारा शेयर कर सकते हैं। यदि आप अपने थंबनेल को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करते हैं आपका थंबनेल जो है सेव होना शुरू हो जाता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों, थंबनेल यहाँ पर सेव हो चुका है। इस तरह से आप अपने पिक्सेल लैब से बने हुए थंबनेल को आसानी से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई और प्रॉब्लम आता है पिक्सेल लैब को यूज करने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।